हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बिहार पीसीएस 67th प्री के लिए आस्था टेस्ट सीरीज की श्रृंखला लाए हैं। शुरुआत करेंगे फुल लेंथ टेस्ट से। इसके करीब 10 सेट हैं हमारे पास और वेल एक्सप्लेन्ड हैं सभी, हिंदी इंग्लिश माध्यम में दोनों हैं। एक एक प्रश्न इसका इम्पोर्टेंट है। दृष्टि का भी चल रहा है और दृष्टि का करीब कंप्लीट भी हो चुका है, लेकिन एक आस्था का और परफेक्शन आईएएस, इन दोनों के भी सेट हो जाएं तो अच्छा खासा कवर हो जाएगा बिहार पीसीएस। जैसे कि लोग पूछते हैं ना कि एक महीना टाइम है तो भाई क्या पढ़ें, क्या करें, कैसे करें, है ना, तो लोग ऐसे बोलते हैं। तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि सेट लगाते रहिए बराबर से, जितना लगा पाइए उतना सेट लगाइए अच्छे से, वो आपका बढ़िया हो जाएगा। और इसमें हम पूरा सेट एक ही वीडियो में देखेंगे, करीब 1.5 घंटे का बनेगा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का। पहला सेट है ये, पहला वीडियो है आस्था का। तो पहले प्रश्न से इसकी शुरुआत करेंगे भैया, वीडियो अंत तक जरूर देखें। एक एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न की जो व्याख्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न से सिर्फ आपका एक प्रश्न तैयार होगा, लेकिन जब व्याख्या बताएंगे तो उससे दो दो प्रश्न और एक्स्ट्रा तैयार हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था से कोटा निम्न में से कौन सी संख्या होती है? कोटा क्या है भाई? कोटा एक ऐसी संख्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि संसद में इतनी संख्या में सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है, कोटा ये है। कोटा ये भी है कि जैसे मान लीजिए चुनाव होना है, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, ये जिसका भी ऐसा कुछ हो, तो इतने लोगों का उपस्थित होना उसमें अनिवार्य है, इतने लोगों का वोट देना जरूरी है, एक कोटा होता ही। यहाँ पे कोटा का मतलब यही है। तो इसमें क्या है कि जितने मत एक सदस्य को निर्वाचित घोषित करने के लिए आवश्यक होते हैं उसी को हम कोटा बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, इस दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन की बात हो रही है, तो इसमें कई सारे लोग हैं, लेकिन जब हम यहाँ बात करेंगे कि दल विहीन प्रजातंत्र के सिद्धांत का व्यवस्थित विश्लेषण किसने किया था, तो वहां पे प्रश्न आप उत्तर आपका बदल जाएगा। जब सिद्धांत का व्यवस्थित विश्लेषण की बात होगी तो वहां पे याद रखना जयप्रकाश नारायण का नाम आएगा, लेकिन जब दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन की बात होगी तो यहां पे नाम आएगा M.N. रॉय है, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जयप्रकाश नारायण भी हैं, विनोबा भावे भी हैं, महात्मा गांधी, M.N. रॉय, दो नाम अक्सर याद रखना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा ना, क्योंकि एक से अधिक उत्तर होंगे इसके। अगला प्रश्न है, संघात्मक राज्य के केंद्र और राज्य की शक्तियों के परिवर्तन में परिवर्तन किया जा सकता है, तो कैसे किया जाएगा परिवर्तन? भाई परिवर्तन किया जाएगा संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखना सी इसका ऑप्शन सही होगा। क्या है कि संघात्मक राज्य में संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है, याद रखना। संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन का उल्लेख होता है, केंद्र और राज्य की शक्तियों में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन ही एकमात्र उपाय होता है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्र सभा में नहीं था? तो लगभग सबको पता होना चाहिए कि हिंदू महासभा जो थी, इसका प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्र सभा में नहीं था। बाकी लिबरल पार्टी भी थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी था, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, इसमें शामिल थी भाई, ठीक है। ब्रिटिश भारत की विधानसभाओं ने से चुने हुए सदस्यों का पार्टी और ब्यौरा कुछ ऐसा रहा है, देख लो, ध्यान रखना।
कि कांग्रेस से 208 रहे हैं, मुस्लिम लीग से 73, यूनियनिस्ट से एक, यूनियनिस्ट मुस्लिम से एक, यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति से एक, कृषक प्रजा पार्टी एक, अनुसूचित जाति परिसंघ से एक, और सिख जो गैर कांग्रेसी थे उससे एक सदस्य थे, साथ में कम्युनिस्ट से भी एक थे। तो हमें ध्यान रखना है किस दल से कितने सदस्य थे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम संभाव्य अवधि कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती भाई? देखिए, पहली बात तो अध्यादेश है क्या? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है 123 के तहत दी गई है, ध्यान रखना। संसद के सत्र चालू होने पर अनुमोदन होने पर भी अधिकतम 6 सप्ताह तक यह बना रहता है, 6 सप्ताह तक बना रहता है, ठीक है। लेकिन याद रखना, यहाँ पे अनुच्छेद 85 के अनुसार भी संसद के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल भी हो सकता है, अनुच्छेद 85 के अनुसार। तो 6 महीने का अंतर ये और 6 सप्ताह वो, मतलब लगभग कितना हो जाएगा, 1.5 महीना ना, 6 सप्ताह और 6 महीना, ये तो 6 महीना और 1.5 महीना कितना हो गया, 7.5 महीना हो गया। तो ध्यान रखना 123 के तहत 6 सप्ताह है और 85 के अनुसार 6 महीना है, तो दोनों को मिला के 7.5 महीना हो जाएगा। इसका सही उत्तर ई होगा, ठीक है। इसमें क्योंकि 7.5 महीना कहीं नहीं दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस समिति की संस्तुति से प्रारंभ की गई थी? तो इसमें समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता को ही पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न पूछा गया है, पहले पेपर में आया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य है, तथ्य कौन सा है भाई? तथ्य ये है कि संसद उसमें सामान्यतया संशोधन नहीं कर सकती है, बस समझ रहे ना। तो ध्यान रखना, अमर्यादित को मतलब मर्यादित है भाई, निरपेक्ष है लेकिन मर्यादित है। ये सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं है, विदेशी व्यक्तियों के लिए भी है। वो अलग है कि 15, 16, 19 और 29 और 30, ये 5 हैं अनुच्छेद जिनके तहत सिर्फ भारतीय नागरिकों को अधिकार मिलता है, बाकी सभी में भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को अधिकार मिलता है, ठीक है। डीपीएसपी के समान है ही नहीं भाई, डीपीएसपी और उसकी दोनों की प्रकृति में बहुत अंतर है, समझ रहे हैं ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, संसद उसमें सामान्यतया संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक उपद्रव के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था? इसमें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक उपद्रव शब्द को हटा दिया गया, अब क्या हुआ, सशस्त्र विद्रोह हो गया। कब आया था 44वां संविधान संशोधन? 1978 में आया था, ठीक है, आपातकाल लगने के जस्ट बाद, ध्यान रखना इसका। चलिए, इसकी कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, कब हुई थी भाई? अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी जब कांग्रेस के 28 माह हम पढ़ते हैं, जो स्पेक्ट्रम में एक चैप्टर के नाम, चैप्टर के नाम, चैप्टर है ना एक, 28 माह। तो इसमें कैबिनेट मिशन के आने के बाद है ना, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। अच्छा, अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी कैबिनेट मिशन के आने के बाद हुई थी, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 51 का संबद्ध है किससे संबद्ध? भाई ये भैया मूल कर्तव्य से संबंधित है, और याद रखना 11 मूल कर्तव्य हैं, लेकिन मूल रूप से मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। शिक्षा वाला जब जोड़ा गया इसमें कि बच्चों को शिक्षा दी जाए, उनके प्रतिपाल्य का एक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दें, तो ये 11 नंबर अलग से जुड़ा। मूल रूप से 10 ही थे मूल कर्तव्य, लेकिन 11वां बाद में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई? वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था, अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 360 के तहत है। ये 358 359 क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लो। 358 के तहत भैया ध्यान रखना, 358 के तहत अनुच्छेद 19 का निलंबन होता है, और 359 के तहत बाकी सभी मूल अधिकारों का निलंबन होता है उसमें, लेकिन 20 और 21 को छोड़कर। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ताप गतिकी का प्रथम नियम समानता किससे संबद्ध मामला है? ताप गतिकी का प्रथम नियम समानता किससे संबद्ध मामला भाई? तो ये है ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। ठीक है, क्या है ये? ताप गतिकी या उष्मा का प्रथम नियम समानता ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबद्ध है। क्यों? क्योंकि इस नियम के अनुसार किसी निकाय द्वारा जो निकाय, याद रखना, जो कार्य करने में सक्षम हो, अवशोषित की गई ऊष्मा की मात्रा निकाय द्वारा बाह्य दाब के विरुद्ध किए गए कार्य तथा निकाय की यांत्रिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो इसमें एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल का वाष्पन जो है अधिक तीव्रता से होता है। अब याद रखना, इसमें जिस द्रव का क्वथनांक कम होता है वह अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होता है। तो एल्कोहल का क्वथनांक होता है 79.79 डिग्री सेंटीग्रेड। पेट्रोल का कितना है? पेट्रोल का है 95 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल का कितना है? जल का है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मिट्टी के तेल का क्या है? तो मिट्टी के तेल का है भैया 150 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखना। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये अल्कोहल थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है ना, ये सबको पता होगा, एल्कोहल थर्मामीटर। वो क्यों? इसका उपयोग न्यूनतम तापमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एल्कोहल का हिमांक जो होता है ना बहुत कम होता है, -112 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि क्वथनांक इसका 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए यह अधिकतम ताप मापने में उपयुक्त नहीं है, लेकिन न्यूनतम ताप मापने के लिए उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न क्या है, तारों का रंग निर्भर करता है, तारों का जो रंग होता है उसके तापमान पर निर्भर करता है। बात समझ रहे हैं ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है भाई? अगला प्रश्न है 16 नंबर। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। ये 7 रंग हैं कौन से? बैनी, आह, पीनाला, है ना, ऐसे तो है, बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ऐसे सब हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना 7 रंगों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? किस कारण छाती भाई? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण छाती है। ध्यान रखना कि प्रकाश के तरंगदैर्ध्य जितनी ही कम होगी उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में प्रकाश की जो किरणें हैं वो अधिक दूरी तय करके पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। बस समझ रहे हैं?
जिससे सूर्य के श्वेत प्रकाश में उपस्थित कम तरंग दैर्घ्य वाला बैंगनी नीला प्रकाश तो प्रकीर्णित तो होकर बिखर जाता है, लेकिन लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है। तो लाल का जो तरंग दैर्घ्य है वो कितना होता है? अधिक होता है, ठीक है। बाकी बैंगनी और नीला का क्या होता है? कम होता है। अगला प्रश्न है, वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? वर्णांधता देखो क्या है ना, वर्णांधता जो है ना एक आनुवंशिक है, आनुवंशिक दोष है ये, ध्यान रखना। आनुवंशिक दोष है, व्यक्ति जो है कुछ रंगों जैसे प्रमुख रूप से मुख्य रूप से देखा जाए तो लाल और हरे रंग के लिए होता है, में विभेद नहीं कर पाता, लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाता है और इसे किसी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो वर्णांधता का दोष किसी भी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ई, ठीक है। अगला प्रश्न है, एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग होगा, मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या चुंबकीय अनुनाद चित्रण? चुंबकीय अनुनाद चित्रण हिंदी में याद रखना है एमआरआई का हिंदी रूप है, ठीक है। तो मरीज को एमआरआई मशीन के भीतर प्रवेश कराया जाता है और इसमें क्या होता है, इसमें चुंबकीय जो तरंग होती है ना उसका परीक्षण किया जाता है चुंबकीय किरणों के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है कि पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं, तो कौन सा तरंग पैदा करते हैं भाई? तो पैदा करते हैं ध्वनि बूम, अनुप्रस्थ तरंग, संक्रमण तरंग, परासरण तरंग, तो जो पैदा करते हैं ये ध्वनि बूम पैदा करते हैं, याद रखना। पराध्वनिक विमान ध्वनि बूम नामक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता की यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है मोह, MHO, याद रखना MHO है। अगला प्रश्न है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो इसकी चालकता जो होती है वो अधिक होती है भाई। ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक अचालक के बीच होती है उन्हें बोलते हैं अर्धचालक। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है और अतिचालक विभिन्न तत्वों से मिलकर बनने वाली संरचना है जो विद्युत धाराओं को प्रवाहित करने के उपरांत शून्य प्रतिरोध पैदा करते हैं। डायनेमो क्या है भाई? डायनेमो एक यंत्र है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को पैदा करता है, कि यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या विद्युत को यांत्रिक में बदलता है, तो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, नाम है उसका डायनेमो। अगला प्रश्न है, अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है, आधार धातु क्या है अमलगम में? पारा, पारा है इसमें, ठीक है। अब देखिए पारा जो है ना अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके धातु अमलगम बनाती है, जब पारा अन्य धातुओं के साथ क्रिया करेगी तो धातु अमलगम बनाएगी, जैसे डेंटल अमलगम, सिल्वर मरकरी अमलगम होता है, पोटेशियम अमलगम है, सोडियम अमलगम, गोल्ड अमलगम, एल्युमिनियम अमलगम इत्यादि। पारे का जो उपयोग है ना वो अमलगम थर्मामीटर और सिंदूर बनाने में किया जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं होता है? देखिए क्रोमियम होता है, निकेल होता है, ये तो हमको भी पता है, लेकिन टंगस्टन इसमें नहीं होता है, है ना, ध्यान रखना। स्टेनलेस स्टील धब्बा रहित बोलते हैं स्टील उसको, धब्बा रहित इस्पात बोलते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न है, पायस एक कोलाइड है, पायस एक कोलाइड होता है, द्रव में द्रव का कोलाइड होता है, ठीक है।
ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, जल गैस किसका संयोजन भाई, जल गैस किसका संयोजन है? तो जल गैस CO+H2 का संयोजन है। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? अगला प्रश्न है 28 नंबर, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो यहाँ हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है, और ग्लूकोज को डेक्सट्रोज या ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है। और ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है वो सबको पता होगा, C6H12O6 होता है। तो ग्लूकोज क्या है भाई? हेक्सोस शर्करा का प्रकार है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है? अगला प्रश्न है ना, तो भारी जल क्या है? भारी जल हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है भाई? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? देखिए, सजीव पदार्थ के संयोजन में लगभग 36 तत्व पाए जाते हैं। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ध्यान रखना। फिर कार्बन का नंबर आता है, फिर हाइड्रोजन का नंबर आएगा, फिर नाइट्रोजन का नंबर आएगा। तो मानव से प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है भाई? तो इसमें विटामिन ए होता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन ए होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? नाम याद रखना, रेटिनॉल। मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से रिकेट्स होता है, सूखा रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई विशेषता जिसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? अगला प्रश्न है, तो ये है भैया उपकला, एपिथीलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। ए बी अगला प्रश्न है, ए बी वर्ग 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 वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का रक्त ग्रहण कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग क्या हो? ए बी ओ या फिर और भी सारे। तो इसमें देखिए क्या है, ए बी रुधिर वर्ग में जो है ना एंटीजन पाया जाता है, ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं ए बी वाले में, ए बी ब्लड ग्रुप में, लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है, ध्यान रखना। एंटीजन होता है ए बी, लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए इसको सर्वाग्राही बोला जाता है, ठीक है। तो यह सिर्फ क्या करेगा, ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दे सकता है। ओके, तो हमें ध्यान रखना, इसका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा ना। अगला प्रश्न क्या है, हाइपरटेंशन शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है? हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग होता है रक्तचाप बढ़ने के लिए, हाइपरटेंशन। सामान्य मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? 120-80 mm HG होता है। HG का फुल फॉर्म, HG का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। जिसमें 120 mm HG सिस्टोलिक और 80 mm HG क्या होता है? डायस्टोलिक होता है। 120 क्या है? सिस्टोलिक है, और 80 क्या है? डायस्टोलिक है। हाइपरटेंशन के मरीजों में रक्तचाप सामान्य से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की समानता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? तो मिलाया जाता भैया KL के रूप में। KL क्या भी? नमक में आयोडीन आयोडीन सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम, जो थायराइड ग्रंथि को सामान्य बनाए रखता है। आयोडीन की शरीर में कमी से घेंघा रोग होता है, ये भी आपको
ध्यान में रखना है, ये कई बार प्रश्न में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन दर क्या होती है? 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है क्या? प्रति सेकंड नहीं, प्रति मिनट धड़केगा वो, है ना? तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रति मिनट होता है। ओके, प्रति मिनट 70 से 80 बार। असम नागालैंड की पहाड़ी, अगला प्रश्न है, असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी कौन सा है? बंदर कपी कौन सा है भाई? तो इसका नाम है गिब्बन। असम और नागालैंड वाले पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, याद रखना। यह छोटे आकृति के वृक्षों पर पाया जाने वाला आनुनिक कपी है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो चुकी है? विलुप्त हो गई है वो है साइबेरियाई सारस, ठीक है। अगला प्रश्न है, जानवरों में किसके जबड़े नहीं होते हैं? किसके जबड़े नहीं होते भाई? जबड़े नहीं होते मिक्साइन के। तो मिक्साइन क्या है भाई? यह एक जबड़ा रहित जंतु होता है, ध्यान रखना। और ये साइक्लोस्टोमेट वर्ग का सदस्य है, साइक्लोस्टोमेट वर्ग का सदस्य है, नाम है मिक्साइन। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः निषेचन होता है, तो निषेचन कहाँ होता भाई? सामान्य रूप से देखा जाए तो डिम्बवाहिनी नली में निषेचन होता है। नर जनन कोशिका के शुक्राणु का मादा जनन कोशिका के अंडाणु से मिलन होता है निषेचन। नर जनन कोशिका का शुक्राणु रहेगा और मादा जनन कोशिका का अंडाणु, दोनों जब मिलेंगे तो होगा निषेचन, और निषेचन क्रिया जो होती है वो डिम्बवाहिनी नली में होती है, ध्यान रखना है। जीन शब्द की खोज किसने की थी भाई? जीन शब्द की खोज की थी W.L. Johansen। अगला प्रश्न क्या है, भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो ये प्लेसेंटा होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या क्या होती है भाई? तो इसकी संख्या होती है 0। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या 0 होती है, 0 होती है, बस समझ रहे हैं? क्यों होता भाई? क्योंकि यहां बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव होता है, ठीक है, ध्यान रखना, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव होता है। अगला प्रश्न है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती पेकिंग, पेकिंग, है ना? पेकिंग कहलाती है, बेलिंग कहलाती है, बेलिंग कहलाती, पेकिंग नहीं है, बेलिंग कहलाएगी, है ना? ये गड़बड़ा जाएगा नहीं तो, ध्यान रखना इसका। अगला प्रश्न है, बुशमैन का निवास क्षेत्र, बुशमैन का निवास क्षेत्र निम्नलिखित से किस मरुभूमि में स्थित है? बुशमैन कालाहारी में पाया जाता है, ये सबको पता होगा, बहुत सिंपल है, है ना? अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं ये। बुशमैन मूल रूप से आखेटक होते हैं भैया, पौधों के संग्रहण की अपेक्षा उनके लिए आखेट अधिक है, किंतु इनके लिए मौसमी परिवर्तन के साथ अत्यधिक अनुरूपता आवश्यक होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोहरा की स्थिति क्या बताती है? कोहरा की स्थिति बताती है, तो क्या बताती है भाई? ये बताती है कि तापमान की विलोमता के बारे में जानकारी देती है। कैसे? कि लघु जल सीकरों से परिपूर्ण कोहरा एक प्रकार का बादल होता है, ध्यान रखना, जो धरातल के समीप में पाया जाता है। कोहरा का सृजन जो होता है धरातल के पास विकिरण परिचालन गर्म और ठंडी वायु राशियों के मिश्रण के कारण होता है। इसके निर्माण के लिए दशाओं का होना आवश्यक होता है। कोहरे के लिए एक दिन पहले आकाश बादल से आच्छादित होना चाहिए, कुछ वर्षा भी होनी चाहिए। रात्रि के तापमान का धरातलीय प्रतिलोमन का होना भी आवश्यक होता है। वायु में भेद संचार रात्रि में आकाश बादलों से रहित होना चाहिए,
बादलों से मतलब बादल नहीं होने चाहिए, तो कोहरे का रात्रि में धरातल पर निर्माण होगा। अगला प्रश्न है, जापान विश्व का अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन गया, क्यों क्यों बन गया भाई? क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है, ठीक है, उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की गेहूं पेटी पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका की गेहूं पेटी पाई जाती है, तो कहां पे पाई जाती है? बड़े मैदान में, इंपीरियल घाटी, टेनिस घाटी? देखिए, अटलांटिक तटीय क्षेत्र नहीं हो सकता वो, ये तो वैसे ही भी खत्म, ठीक है, ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। इसमें देखिए क्या है ना, जो ग्रेट प्लेन है विश्व में सागर तल में सबसे ऊंचा मैदान है, इसे ही हम अमेरिका गेहूं की पेटी कहते हैं। कौन सा अगली अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है भाई? तो आपको पता है ना, सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा है। किससे किससे बन रहा? गंगा और ब्रह्मपुत्र से बन रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? अभी तो सुंदरबन ही है सबसे बड़ा, ये तो हमें ध्यान रखना है, इससे बड़ा डेल्टा कोई नहीं। अभी सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण यही करती है, लेकिन इसमें नील नदी ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो नदियां नदियों का नाम दिया गया ना, उसके अनुसार पूछा गया प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी मृदा सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्रफल पाई जाने वाली मृदा है जलोढ़ मृदा। इसका क्षेत्रफल कितना है? 14.25 लाख वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत देखा जाए 43.4% क्षेत्र पर पाया जाता है। पश्चिम में सतलज नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक जलोढ़ मृदा पाई जाती है, समझ रहे हैं ना? तो लाल मिट्टी का क्षेत्र क्या भाई? लाल मिट्टी 18.6% भाग पर मिलती है, लेटराइट मिट्टी 3.7% क्षेत्र पर, और काली मिट्टी 15.2% क्षेत्र पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत में भ्रंशन घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? भ्रंशन घाटी में बहती है नर्मदा और बहती है तापी, ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती दो नदियां बहती हैं, तो नर्मदा याद रखना, ठीक है। इसका उद्गम होता है भैया अमरकंटक के पश्चिम भाग से, विंध्याचल सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहता है, बहती है, और एक बात याद रखना, नर्मदा नदी एस्चुअरी बनाती है, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत में गेहूं के तीन अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है, अधिकतम उत्पादन की बात हो रही है यहाँ पे। तो पहला नंबर किसका आएगा? पहला नंबर आ जाएगा भैया यूपी का, ठीक है, पहला नंबर आ जाएगा यूपी का, दूसरा नंबर आएगा पंजाब, तीसरे पर हरियाणा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ये तीन राज्य हैं अधिकतम उत्पादन करते हैं गेहूं का, ठीक है। एक चीज और इसमें देख लीजिए, एक्सप्लेन कर दें इसको, इसमें जो महानदी कावेरी है, नर्मदा बता दिए, सुवर्णरेखा है, तो महानदी जो है ना छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा पहाड़ी के पास से निकलती है, और वहां से निकल के पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, महानदी की बात बता रहे हैं। तो कावेरी क्या है? कावेरी कर्नाटक के कोडगु जनपद में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी आपकी, और ये दक्षिण पूर्व की ओर कर्नाटक तमिलनाडु राज्य में प्रवाहित होते हुए कावेरी पट्टनम के निकट ये बंगाल की खाड़ी मिलती है। वैसे ही सुवर्णरेखा नदी है, सुवर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रांची के दक्षिण पश्चिम में होता है, पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। तो अब चलेंगे 53 नंबर प्रश्न पे, मिलान करना है इसमें। इस्पात उत्पादक है, लौह अयस्क का स्रोत है, ठीक है। इसमें देखिए भद्रावती, भिलाई, जमशेदपुर, कुलटी, आसनसोल, ठीक है, तो इसका मिलान करना हमें,
देख लेते हैं। देखिए भद्रावती कम्मन गुड़ी लॉ इसका स्रोत है इसका, ठीक है। भिलाई का राजहरा है, जमशेदपुर का क्या है, जमशेदपुर गुरु महिसानी होगा, ठीक है। अच्छा सी का दूसरा हो जाएगा और बी का चौथा हो जाएगा, ठीक है। राजहरा तो बी का चौथा और सी का दूसरा होगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देख लीजिए कुलटी आसनसोल एक ही बचा तो गुआ हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, तो आप लोगों को भी पता होगा ये तो, है ना। नारकोंडम की बैरन, देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 204 द्वीप हैं टोटल, ठीक है। इसमें बृहद लघु अंडमान प्रमुख है। अगर बृहद अंडमान देखें तो सकल निवेशकों द्वारा उत्तरी मध्य दक्षिणी बटंग अटलैंड द्वीपों में विभक्त है। अंडमान के लगभग 80 किलोमीटर पूर्व बैरन नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप स्थित हैं। बैरन और नारकोंडम दो हैं स्थित हैं जिनमें प्रथम प्रसुप्त और दूसरी सुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम क्या है, प्रसुप्त है। बैरन क्या है, सुप्त है। अब ये द्वीप टर्शियरी कालीन अराकानियोमा के विस्तारित भाग हैं जिनमें बलुआ पत्थर और रेत की प्रधानता होती है, ठीक है। तो क्या पूछा गया, सक्रिय ज्वालामुखी एकमात्र जो है वो है कौन सी, बैरन, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अधोलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखिए जलोढ़ मिट्टी यूपी में पाई जाती है, रेगड़ पाई जाती है महाराष्ट्र में, लाल पीली पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, लेटराइट पाई जाती है पंजाब में। गलत है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि लेटराइट पंजाब में नहीं पाई जाती है भाई, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला प्रश्न है, नागा जनजाति की बस्तियां सामान्यतः अवस्थित हैं, नागा जनजाति पहाड़ी ढालों पर, टकटक शिखरों पर, नदी वेदिकाओं पर, नदी तटबंधों पर, ये जो है ना कटक शिखरों पर पाए जाते हैं, अवस्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, उकाई परियोजना स्थित है, उकाई परियोजना कहाँ है, उकाई परियोजना गुजरात में है, तो गुजरात में भी कहाँ भाई, उकाई परियोजना आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए भारत ने नियोजित विकास का मार्ग चुना था। ध्यान रखना नियोजित मार्ग का विकास, नियोजित विकास का मार्ग क्यों चुना गया, तो ये इस यही कारण था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उठाए गए अनेक उपायों में जल संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन भी रहा है। ध्यान रखते हुए नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई, ठीक है। इसमें सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन नियंत्रण, वनारोपण, पेयजल आपूर्ति, मृदा संरक्षण, ये सब शामिल रहा। उकाई जो परियोजना है ये ताप्ती नदी पर है, याद रखना। इसकी लंबाई जो है 4928 मीटर है और लंबाई इसकी 4928 मीटर है। ऊंचाई कितनी है, 68.6 मीटर। क्षमता क्या है, 1.3 लाख हेक्टेयर। बिजली उत्पादन करता है 300 मेगावाट, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, गोंडवाना भूभाग के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ, तो टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ जुरासिक युग में, याद रखना जुरासिक युग में। जीवक किस राजा का राजवैद्य था भाई, जीवक, तो ये जो जीवक है ना ये बिंबिसार जीवक ही थे ना, उज्जैन में गए थे वो किसी राजा का इलाज करने, है ना, जीवक ही थे वो। गौतम बुद्ध द्वारा
अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया? तो ये दिया गया भैया सारनाथ में। आपको पता होना चाहिए सारनाथ को ही और भी नाम से जानते हैं, ऋषि पत्तन बोलते हैं उस सारनाथ को। यहीं पर इन्होंने पांच ब्राह्मणों को उपदेश दिया था और यहीं पर इन्होंने बताया था कि चार आर्य सत्यों के बारे में, कि दुख, दुख समुदाय, दुख निरोधगामी प्रतिपदा। उन्होंने बताया था कि दुख, विश्व में सबके पास दुख है, तो दुख क्यों है? दुख इसलिए है क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, और ज्ञान आएगा कहाँ से? फिर उन्होंने दिया अष्टांगिक मार्ग। याद रखना, जो पहला उपदेश दिया था इन्होंने, उस वो प्रचलित हुआ धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। एक चीज़ और याद रखना, इसमें इसका जो प्रतीक चिन्ह बना वो बना चक्र, प्रतीक चिन्ह बना चक्र, ठीक है? ध्यान रखना इसका, इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। मौर्य, अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? खान का अध्यक्ष है तो लक्षणा अध्यक्ष होता था कि अकारा अध्यक्ष होता था? देखो, लक्षणा अध्यक्ष नहीं था, वो अकारा अध्यक्ष था, ठीक है? अकारा अध्यक्ष होता था वो, अकारा अध्यक्ष, लोहा अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष, सुना अध्यक्ष। ठीक है, अकारा अध्यक्ष होता था वो, ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या है? ये लक्षणाध्यक्ष क्या था? लक्षणाध्यक्ष देख लो, लक्षणाध्यक्ष है छापा खाना का प्रमुख होता था, लोहा अध्यक्ष है धातु वाला, धातु विभाग का प्रमुख होता था, सोना अध्यक्ष क्या है? बूचड़खाने का प्रमुख होता था, याद रखना, ठीक है? कौन सी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में कौन सी हुई थी? तीसरी वाली हुई थी ना, कि दूसरी हुई थी? तीसरी हुई थी ना, पाटलिपुत्र में, मोगलिपुत्तिस रहा है अध्यक्ष इसका, और मोगलिपुत्तिस ने ही अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, याद रखना है। इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है टेस्ट में, जिस तरीके से हम करके बता दे रहे हैं, ठीक है? उसमें पॉइंट टू पॉइंट चले हैं वो। अब इसमें लक्षणाध्यक्ष, सोनाध्यक्ष, लोहाध्यक्ष के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन हम बता दिए कि लक्षणाध्यक्ष भैया छापे खाने का प्रमुख है, लोहाध्यक्ष धातु विभाग का प्रमुख है, सोनाध्यक्ष जो है बुचड़खाने का प्रमुख है, समझ रहे हैं ना? चलिए, अगला प्रश्न क्या है? बुद्ध चरित के लेखक कौन है? तो अश्वघोष है, ये सबको पता होगा, बुद्ध चरित अश्वघोष है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत का मौलिक नाम क्या है? मौलिक नाम क्या है इसका? मौलिक नाम क्या है अभी? इसका मौलिक नाम है जय संहिता, ये बाद में बनता बृहत संहिता। विजय, अगला प्रश्न है, विजयनगर के कृष्णदेव राय का राजकवि, कृष्णदेव राय का राजकवि था कौन है? नंदी तिम्मन है, अलसनी पेदन्ना है, धुरजटी है, भट्टमूर्ति है, तो कौन है इसका? है अलसनी पेदन्ना, पेदन्ना, ठीक है? अगला प्रश्न है, दास बोध नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दास बोध नामक पुस्तक लिखी है रामदास ने, ठीक है? महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले थे रामदास, इनका जन्म हुआ था 1608 में, शिवाजी के समकालीन थे, उनके आध्यात्मिक गुरु भी थे रामदास, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने अपनी अति महत्वपूर्ण रचना दास बोध में आध्यात्मिक जीवन के समन्वयवादी सिद्धांत के साथ विविध विज्ञानों कलाओं के अपने विस्तृत ज्ञान को संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, सिख आंदोलन के अगुआ कहे जाते हैं, सिख आंदोलन के अगुआ कहे जाते हैं तो कौन है? वो है भैया गुरु नानक, ठीक है? गुरु नानक को माना जाता है। अगला प्रश्न है, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? चोल, राजेंद्र चोल, ये सब रहे ना, राजराज प्रथम, कुलोत्तुंग भी इसी में था। तो देखो, ये लोग शैव धर्मानुयायी थे, ठीक है? शैव धर्मानुयायी थे, और कहा जाता है कि कुलोत्तुंग फूंक के बारे में, कि परांतक के बारे में, कुछ शैव धर्म में इतनी आस्था थी उसको
कि उसने विष्णु की मूर्ति को उखाड़ के समुद्र में फेंकवा दिया था। परांतक था, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। इन लोगों ने बहुत सारे शिव मंदिरों का निर्माण करवाया, चौलेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, कंपेरेश्वर मंदिर, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न क्या है, दिलवाड़ा प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा, देखो दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध मंदिर है ना, इसका निर्माण करवाया था चंदेलों ने, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? कायस्थ शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस स्मृति में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा याज्ञवल्क्य स्मृति। पहली बार उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति मिलता है, एक जाति के रूप में कायस्थों का जो उल्लेख है वो मिलता है ओशनम स्मृति में, ठीक है। पहली बार उल्लेख की बात करेंगे तो ये मिलेगा याज्ञवल्क्य में। जब एक जाति के रूप में बात करेंगे तो ये मिलेगा हमको ओशनम स्मृति में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विकल्प है बढ़ते क्रम में सही सही बताना है हमें। अब देखिए उस समय के अनुसार कैसे हुए हैं, इनमें देखना है। तो देखिए इसमें लखनऊ समझौता, यही सब मतलब दिया गया कुल जाकर, ठीक है। तो लखनऊ समझौता कब हुआ है? 1916 में, ऐसे देख लेंगे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 कि 1919? 1920 में हुआ भाई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? ये हुआ 1930 में। अब इसी हिसाब से लगा लेंगे सबको, है ना, क्योंकि चारों में ऑप्शन वही सारे दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए लखनऊ समझौता सबसे पहले हुआ है, चंपारण फिर उसके बाद हुआ सहयोग, असहयोग बाद हुआ सविनय। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न क्या है, ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ठगी प्रथा को समाप्त किया था स्लीमैन ने, ठीक है, ध्यान रखना स्लीमैन ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न देखते, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? देखिए पूना पैक्ट पे याद रखना गांधी जी साइन नहीं किए थे, ठीक है, पहली चीज तो याद रखनी हमें। तो गांधी जी तो किए नहीं है जब पूना पैक्ट पे साइन हस्ताक्षर, तो इसमें गांधी जी तो सभी ऑप्शन में है, तो इसका सही उत्तर डी ई हो जाएगा, ई वाला ऑप्शन होगा ना। इसमें गांधी जी हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसमें हस्ताक्षर जो हुए थे अंबेडकर जी किए थे, लेकिन गांधी जी की तरफ से दो लोगों ने किया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ई होना चाहिए, है ना, क्योंकि गांधी जी ने साइन तो किया नहीं इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भैया दादा भाई नौरोजी, है ना, दादा भाई नौरोजी थे भाई। इन्होंने भारत के धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी, 1866 में। कहाँ पे की थी? लंदन में की थी। क्या की थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। 1892-95 तक ये ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल थे, सोहन सिंह भाकना थे, है ना। फिलहाल लाला हरदयाल थे, गदर आंदोलन की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी,
अगला प्रश्न है, राजाराम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? इंडियन मिशनजन, इंडियन गजट, तत्व कौमुदी, संवाद कौमुदी। देखिए जो संवाद कौमुदी है ना, राजाराम मोहन राय की ही किताब है, ठीक है। संवाद कौमुदी बंगाली पत्रिका है ये। कब निकाले थे? ये निकाले थे 1821 में। और याद रखना, जो सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था ना, वो संवाद कौमुदी के माध्यम से ही किया था, ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कालक्रम अनुसार बताना है हमें। अगस्त प्रस्ताव भैया है, मंत्रिमंडल मिशन की योजना है, क्रप्स मिशन है, वेबेल की योजना है। तो देखिए अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले हो जाएगा, है ना। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में। तारीख भी बताएं, तारीख भैया 8 अगस्त। क्रप्स मिशन कब आया? क्रप्स मिशन आया है 1943 में। कब आया? 3 मार्च को। वेबेल योजना कब आई? 1945, है ना, 14 जून को। तो मंत्रिमंडल मिशन कब आया? ये आया भैया 1946 में, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन सा होगा? अगस्त प्रस्ताव आ जाएगा, फिर उसके बाद आएगा क्रप्स मिशन आएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर कुल मिला के सी हो जाएगा, ध्यान रखना। 3 मार्च 1943 को क्रप्स मिशन योजना आई थी, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया, वेबेल योजना आई 14 जून 1945 को, मंत्रिमंडल मिशन की योजना जो आई थी वो आई थी 1946 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडु रंग था? तो तात्या टोपे का नाम था ये, रामचंद्र पांडु रंग। इन्होंने ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की मदद की थी, ठीक है, तात्या टोपे। कानपुर में नाना साहब के भी साथ रहे ये, अजीमुल्ला खां भी रहे वहीं पे, जो सलाहकार थे नाना साहब के भाई, बाद में नेपाल भाग जाते हैं ये तात्या टोपे, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन हुआ जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, संपन्न हुआ था, उस था 1924 का अधिवेशन, जगह का नाम है भैया बेलगांव। उसी के जस्ट बाद होता है 1925 का अधिवेशन कानपुर में, अध्यक्षता जो करते हैं उनका नाम है सरोजिनी नायडू, और बनती हैं पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। इन सबसे पहले कलकत्ता में अधिवेशन होता है 1917 में, पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं एनी बेसेंट। ये थोड़े फैक्ट्स हैं, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो बेलगांव अधिवेशन था भैया। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था भाई? किए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मित्र मेला संघ को शुरू किया था? देखिए वीडी सावरकर का है मित्र मेला, यही बाद में मित्र मेला बीडी सावरकर ने शुरू किया था, ठीक है, याद रखना। मित्र मेला संघ की स्थापना बीडी सावरकर ने की थी 1904 में, इसका परिवर्तित नाम हुआ अभिनव भारत, समझ रहे ना, 1904 में इसका नाम परिवर्तित करके अभिनव भारत कर दिया जाता है। और यह गुप्त संगठन था और जिसका वार्षिक सम्मेलन क्रांतिकारियों द्वारा आयोजित किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? सी आर दास नाम है, चित्तरंजन दास, नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी ना इन्होंने। देखिए 1920 कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका विरोध किया सी आर दास ने। लेकिन दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई और इस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव सी आर दास ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न क्या है? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? सती प्रथा विलियम बेंटिक थे ना, है ना, विलियम बेंटिक थे भाई, ध्यान रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक नाम है इनका। सती प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही थी, ठीक है। और पहली बार जो उल्लेख मिलता है ना सती प्रथा का, वो मिलता एरण अभिलेख में। वो गुप्तों के कोई थे, कोई मंत्री वंत्री थे, उन्हीं की पत्नी के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु निश्चित किया, सुनिश्चित किया था? तो तारीख थी 16 अगस्त 1946। कैबिनेट मिशन के द्वारा लीग की प्रस्तावित पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था, और जिसके बाद अंतरिम सरकार में शामिल होने के प्रश्न पर कांग्रेस लीग में विवाद हो गया, और लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार भी कर दिया, जबकि नेहरू ने अंतरिम सरकार के गठन की मंजूरी प्रदान कर दी। मतलब जिन्ना ने क्या किया, 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाने का निश्चय कर लिया, डायरेक्ट एक्शन डे। और नारा क्या दिया लीग ने, नारा दिया लड़कर लेंगे पाकिस्तान। अगला प्रश्न क्या, भारतीय संविधान का सर्वप्रथम संशोधन हुआ तो 1951 में हुआ था, नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है याद रखना, नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो किए थे चार्ल्स विल्किंस महोदय ने किया था अंग्रेजी अनुवाद। यह नवंबर 1784 में पूरा हुआ था, और याद रखना 1787 में विल्किंस ने हितोपदेश का भी अनुवाद किया। सबसे पहले किया इन्होंने भगवद गीता का अनुवाद 1784 में, और फिर 1787 में इन्होंने हितोपदेश देश का भी अनुवाद किया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैथ के सवाल हैं, ठीक है, मैथ वाले सवाल छोड़ देते हैं, ठीक है, मैथ वाले नहीं करेंगे, मैथ वाले आप लोग देखते रहिएगा, है ना, मैथ नहीं करेंगे, फिर से आ जाते हैं हम जीएस पे। अगला प्रश्न है, 97 पहुंच गए हम सीधे। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीती का आयोजन किसके समय में हुआ था? 483 बीसी में हुआ था भैया, ध्यान रखना, ठीक है, सुबु कामी थे ना इसके अध्यक्ष, अजात शत्रु थे शासक, ठीक है, तो अजात शत्रु के समय में हुआ है। अगला प्रश्न क्या है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन नहीं है? तो बिहार से जो प्राप्त हुए अशोक के अभिलेख कौन से नहीं है स्तंभ लेख? देखिए इसमें रुमिंदेई, है ना,
रुम्मिनदेही स्तंभ लेख कहाँ पे है? ये नेपाल में है, बिहार में नहीं है। ठीक है, पावापुरी किस धर्म से संबंधित स्थल है? पावापुरी, पावापुरी जो है जैन धर्म से संबंधित है। पावापुरी नालंदा जिले में है, ध्यान रखना। इसी पावापुरी में महावीर का महापरिनिर्वाण हुआ था लगभग 72 वर्ष की उम्र में, 468 BC में। और ये भी याद रखना, मल्लराज सहित पाल के महल में हुआ था, मल्लराज सहित पाल के महल में हुआ था। बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां किसके शासनकाल में था? शाइस्ता खां किसके शासनकाल में था? तो ये था भैया शाहजहां के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, 101 नंबर। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन का किस रचना में मिलता है? शेरशाह ने पटना का निर्माण किया था ना, तो किस में मिलता है? ये मिलता है तारीखे दाऊदी में। अब देखिए क्या है कि अब्दुल्लाह के द्वारा लिखा गया है तारीखे दाऊदी, ये ध्यान रखना हमें। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? पृथक प्रांत के रूप में गठन हुआ बिहार का 1912 में, है ना, 1912 में हुआ था, याद रखना। अगला प्रश्न क्या है, प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब बनाया गया। प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 में, ठीक है, उपनवाब कोई बनेगा तो कौन बन रहा है? वो बनेगा मीरन, नाम है इसका। ठीक है, प्लासी युद्ध लड़ा गया था, इसमें ब्रिटिश कंपनी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ ये युद्ध, हालांकि सिराजुद्दौला मारा जाता है ना, मीर जाफर का लड़का उनको मार देता है। और मीरन नाम मात्र का प्रशासक था, परंतु वास्तविक शक्ति बिहार के नायब नाजिम राजा राम नारायण के हाथ में रही। तो मीरन है बिहार का उपनवाब। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 अगस्त को। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो 11 अगस्त को विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की। तभी पटना के DM रहे WG आयरे ने पुलिस की गोली चलाने का आदेश दे दिया पुलिस को, जिसमें 7 छात्र मारे गए और बहुत से छात्र घायल भी हो गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसी स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण भी किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ? बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ 1937 में। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, ये ध्यान रखना हमें कि भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत 6 राज्यों में विधानसभा के गठन का प्रावधान किए गए 1935 के तहत 6 राज्यों में, और इसी के तहत बिहार विधानसभा में 152 और विधान परिषद में 30 सीटों की व्यवस्था की गई। ये भी याद रखना, ध्यान रखना। इसके तहत बिहार में प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव हुआ 1937 में। 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। किसके नेतृत्व में भैया? श्री कृष्ण सिंह के, और यही है बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी, ये भी याद रखना। विधानसभा के अध्यक्ष रहे श्री राम दयालु सिंह और उपाध्यक्ष रहे प्रोफेसर अब्दुल बारी। अगला प्रश्न क्या है, बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? बिहार में किसान सभा के संस्थापक, देखो क्या है, बिहार में किसानों को एकत्र करने की एक और इन किसानों की कठिनाइयों का निराकरण करने के उद्देश्य से मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण द्वारा आयोजित किया गया था। लेकिन किसान आंदोलन को नया रूप दिया स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। 4 मार्च 1928 को सहजानंद सरस्वती ने औपचारिक ढंग से इस आंदोलन को क्या किया, नया रूप दिया। 1929 में इस सभा की गतिविधि काफ़ी विस्तृत रूप से प्रारंभ हुई थी। तो इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं भैया, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी?
तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली थी, है ना। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है पेपर में, इसलिए ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया गया था जयप्रकाश दिवस, कब मनाया गया था भाई? तो ये मनाया गया था फरवरी 1946 में। फरवरी 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। जयप्रकाश नारायण के द्वारा आजाद दस्ते का निर्माण था अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध के कारण काफी लोकप्रियता मिली थी। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद, ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयत्नों से किस वर्ष बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस स्थापित हुई थी? बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस स्थापित हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयत्न से, तो कब हुई थी? ये हुई थी भैया 1906 में। अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में शामिल नहीं है, ठीक है। तो कौन नहीं शामिल है इसमें? इसमें देखिए क्या है ना, बिहार की जलवायु कैसी है, मानसूनी है, आपको पता है, जिसे संशोधित उपोष्णकटिबंधीय जलवायु भी कहते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का जो अधिकांश भाग है वो CWG और AW विभाग में थॉर्न आता है। थॉर्न वेट के अनुसार देखा जाए CAW, त्रिवार्ता के अनुसार देखा जाए उत्तरी भाग CAW, दक्षिण भाग AW, ठीक है। तो बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक जो है ना, वो हिमालय की स्थिति है, कर्क रेखा की स्थिति, बंगाल खाड़ी से निकटता है, नॉर्वेस्टर है, ग्रीष्मकालीन तूफान है, दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता है। तो ये सारी चीज़ें बिहार की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ये सभी इसको प्रभावित करती हैं जितना इसमें दिया गया है, ठीक है। कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है भाई? कोसी, अगला प्रश्न है, कोसी नदी की अपवाह प्रणाली। अब देखिए, किसी नदी और उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी नदी में मिलने वाली सारी सहायक नदियां और उस नदी बेसिन के अन्य लक्षण मिलकर उस नदी का अपवाह तंत्र बनाते हैं। और याद रखना कि कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है, तो ये भैया आयताकार अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। ध्यान रखना, कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है, आयताकार अपवाह प्रणाली, ठीक है। सोन नदी का गंगा नदी में विलय होता है, तो कहाँ पर मिलती है सोन नदी? ये मिलती है पटना में। सोन, गंगा, पुनपुन, इन्हीं नदियों के संगम पर बनाया गया था पाटलिपुत्र, उदयन ने स्थापित किया था, उदयन ने ही पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी भी बनाई थी, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न क्या है भाई, इनमें से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? मुंगेर में नहीं है, जलकुंड भी है कोई बिहार में। अब देखिए, तो जो जलकुंड मुंगेर में नहीं है वो है नानक कुंड। बाकी देखिए, मुंगेर में जो गर्म जलकुंड है मूलतः खड़गपुर की पहाड़ियों में है भाई। मुंगेर के प्रमुख जलकुंड के रूप नाम याद रखना, सीता कुंड है, कृषि कुंड है, भीमबाद है, रामेश्वर कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, ऋषि कुंड है, जन्म कुंड है, ठीक है। और राजगीर में स्थित जो जलकुंड है उसका नाम क्या है? राजगीर में जो है सप्तधारा है, नानक कुंड है, सूर्य कुंड है, गोमुख कुंड है। अगला प्रश्न है, बिहार में पर्वतपदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? पर्वतपदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है उसको भाबर का क्षेत्र, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, बिहार में ऑप्टिकल फाइबर सेवा के माध्यम से कितने गांव को जोड़ा जाएगा? तो ये 45,945 गांव को, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला बिहार का अव्वल जिला कौन सा है भाई? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला बिहार का अव्वल जिला कौन सा है? तो ये है नवादा, ठीक है, ध्यान रखना, नवादा है। अगला प्रश्न है, नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में बिहार के किस जिले को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न श्रेणी में शामिल किया गया है?
नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में बिहार के किस जिले को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न श्रेणी में शामिल किया गया है? तो कौन सा जिला है वो? वो है औरंगाबाद। अगला प्रश्न क्या है? वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के तहत कितने रुपए का बजटीय आवंटन रखा गया है? 21-22 की बात है तो कितना रखा गया था ये हमें पता होना चाहिए, 4671 करोड़ रुपया। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार है, तो कौन सा सबसे गरीब है? सबसे गरीब जिला है बिहार का शिवहर। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के रानीगंज वृक्ष वाटिका में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर 2021 में स्थापित किया जाएगा? 2021 में स्थापित किया गया है तो रानीगंज वृक्ष वाटिका में। कहाँ पे भाई? ये है अररिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, जमीनी बातें बिहार में किस विभाग का जागरूकता अभियान है? जमीनी बातें तो ये है भूमि सुधार राजस्व विभाग का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बजट भाषण में वर्णित हर घर नल योजना के तहत अंतर्गत लगभग कितने प्रतिशत घरों को पीने का साफ पानी पहुंचाया जा चुका है? तो ये पहुंचाया जा चुका है 80% घरों को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, स्मार्ट सिटी पर पैसा खर्च करने में पटना का कौन सा स्थान है? स्मार्ट सिटी पर पैसा खर्च करने में पटना का कौन सा स्थान है? तो पटना का स्थान है 62वां स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फल्गु नदी पर रबर डैम का निर्माण प्रारूप किस संस्थान द्वारा तैयार किया गया? फल्गु नदी पर रबर डैम बन रहा है, उसका प्रारूप किसी संस्थान ने तैयार किया? उस संस्थान का नाम है IIT रुड़की। बजट 21-22 में स्वास्थ्य खुशहाली के लिए बजट आवंटन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? बजट पढ़ लेना भैया 22-23 वाला भी, ठीक है, क्योंकि पेपर है, दिसंबर में ही पेपर होने वाला था इसलिए उसी हिसाब से बना है। ठीक है, स्वास्थ्य खुशहाली के लिए बजट आवंटन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो याद रखना ये हुई है 137% की। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, मित्र स्कीम बजट 2021-22 में चर्चा में रहा है, यह किस संबंधित है? मित्र टेक्सटाइल वाला है। ठीक है, और ये 7 स्थापित किए जाएंगे टेक्सटाइल पार्क। ठीक है, ध्यान रखना 7 कपड़ा पार्क स्थापित किए जाएंगे, कपड़ा उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और रोजगार का सृजन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लाई गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2021 में किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति की चर्चा की गई जिन्होंने कहा था कि अत्यधिक अनिश्चितता की स्थिति में जीवन का कम से कम नुकसान होने की रणनीति बननी चाहिए? तो ये हैं भैया हैंसन सार्जेंट नाम है इनका, हैंसन सार्जेंट नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, मिशन पोषण 2.0 में कितने कार्यक्रम अभियान का विलय कर सरकार करने जा रही है? मिशन पोषण 2.0 में तो कितने का विलय हो रहा है? ये हो रहा है 2 का। कौन कौन से भाई? अब वो 2 भी हैं तो कौन कौन से हैं इसमें देखिए, 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त रखना है, इसमें पोषण अभियान और संपूरक पोषण अभियान दोनों को शामिल किया गया। अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया था? अनवरत योजना गुन्नार मिर्डल, अभी उत्तराखंड PCS में ये प्रश्न आया हुआ था रोलिक प्लान के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, लॉरेंज वक्र को किसने विकसित किया था? तो ये है मैक्स ओ लॉरेंज, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ाया है ये सब। ठीक है, अच्छे से पढ़ा दिए हैं, अगर आप लोग ध्यान दिए देंगे तो अच्छे से उसमें कोई डाउट नहीं होगा और दिक्कत भी नहीं होने पाएगी। इसका विकास 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने किया था। ठीक है, लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, विनिवेश कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया? विनिवेश कमीशन का गठन हुआ है 1996 में।
मुद्दे पर समीक्षा सुझाव विनिमय के लिए विनिवेश कमीशन का गठन किया गया। इसके पहले अध्यक्ष नाम याद रखना जी वी रामकृष्ण थे। ठीक है, अगला प्रश्न है सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है BSE कितने शेयरों पर आधारित है। तो कितने पर आधारित है, ये भैया 30 शेयरों पर आधारित। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है 21वें पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के व्यक्ति कौन है, रामविलास पासवान है ना, 21 में बात हो रही है। अगला प्रश्न है हाल में G20 बैठक हुई है कहाँ पे आयोजित हुई। G20 की बैठक जो हुई है वो हुई है भैया रोम इटली में। अगला प्रश्न है भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो कब तक, ये हो भाई 2025 तक। अगला प्रश्न क्या है, आशीर्वाद योजना शुरू की गई, आशीर्वाद योजना किसके लिए, किसके द्वारा शुरू की, ओडिशा सरकार द्वारा। ठीक है, ओडिशा सरकार ने ऐसे सभी बच्चों को वित्तीय मदद मुहैया कराने के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की है जिन्होंने किसी भी वजह से अपने माता पिता में से किसी एक को या दोनों को खो दिया। इसके तहत प्रति माह बच्चे को कितना दिया जाएगा, 2500 रुपया। अगला प्रश्न क्या है, आहार क्रांति मिशन की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई। आहार क्रांति मिशन की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई भाई, तो ध्यान रखिए कि यह स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्मार्ट किचन योजना शुरू की गई है तो स्मार्ट किचन योजना जो है वो केरल सरकार द्वारा शुरू की गई। इसमें क्या होगा, महिलाओं के घरेलू श्रम के काम के बोझ को कम करने के लिए रसोई घर के नवीकरण हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए है। योजना की शुरुआत हुई है 10 जुलाई 2021 को। कू ऐप लॉन्च किया गया, कू ऐप जो है ना केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है और ट्विटर का रूप है। ठीक है, ट्विटर के विकल्प के रूप में इसको शुरू किया गया है, याद रखना। इसकी स्थापना अप्रमेय राधाकृष्ण और मयंक विद्वातका ने की है। इस ऐप में हिंदी के अलावा तमिल कन्नड़ तेलुगु भाषा में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया तो कहाँ पर किया गया था। तो ये किया गया था भैया गुलमर्ग में। ठीक, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर हुआ था। ये खेल जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत करेगा। IPL 2021 का विजेता कौन है, IPL 2021 का विजेता रहा है चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, अगला प्रश्न है अरोमा मिशन की शुरुआत किस राज्य के शासित प्रदेश द्वारा की गई। अरोमा मिशन इसकी शुरुआत की है जम्मू कश्मीर ने। क्या है ये अरोमा मिशन, एक बात याद रखना कि लैवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए अरोमा मिशन की शुरुआत हुई है जम्मू कश्मीर में। CSIR ने 500 किसानों को 100 एकड़ जमीन में खेती के लिए मुफ्त में 800,000 दिए। इसे पर्पल रेवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, कौन 28वां ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई। 28वां ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली महिला बन गई, मैडोना नाम है इनका। मैडोना है कौन भाई, पॉप इस पर बियॉन्से 2021 में 4 और ग्रैमी पुरस्कार जीतकर सबसे अधिक 28 नहीं इसमें है बियॉन्से। ठीक है, ध्यान रखना 28 ग्रैमी पुरस्कार जीती हैं ये। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन हुआ है अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ, गुजरात में। किया किसने है, किरेन रिजिजू ने। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने कुश्ती में किस वर्ग में कांस्य पदक जीता है। बजरंग पुनिया कांस्य पदक जीते हैं, तो वर्ग कौन सा रहा इनका, इनका वर्ग रहा है भैया 65 kg का। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है
14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया? क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया है कोचीन में। देखिए ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचीन बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, कॉप 26 का आयोजन कहाँ किया गया? कॉप 26 ग्लासगो है ना, ये प्रश्न आया हुआ था उत्तराखंड PCS में। भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है, ये 2070 तक रखा गया है, ठीक है, ये 2072 इसको ये सही मान रहे, 2070 तक भारत सरकार ने बोल रखा, ठीक है, याद रखना ये 2070 तक है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है और अंतिम प्रश्न है ये, फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही है? फ्रेंच एक ओपन 2021 की महिला विजेता रही है बारबोरा क्रेजी कोवा, ठीक है। बारबोरा क्रेजी कोवा जो कि कहाँ की हैं, चेक गणराज्य की हैं भैया। इन्होंने अनास्तासिया पावली को हराकर फ्रेंच ओपन 2021 अनास्तासिया पावली को इन्होंने हराया था, ठीक है। तो ये हो गए आज के 150 प्रश्न हो गए पूरे, ठीक है। वीडियो लंबी हो गई है जहाँ तक हमको लग रहा है, 1 घंटा 21 मिनट का वीडियो बन गया पूरा। फिलहाल पूरा प्रश्न हो भी गया है तो 10 या 15 सेट हैं इसके, ये डेली एक सेट करेंगे और परफेक्शन का भी साथ में करेंगे। जितना कम टाइम है, जितना भी टाइम है ना, इतने में सब कुछ अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो फिलहाल इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे भाई, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है। तो अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।